यीशु तुझे ग्रहण योग्य होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, तेरा नाम ऊंचा है। हालेलुया, तेरे लहू में सामर्थ है। तू परमेश्वर आदिकाल से लेकर अनंत काल तक एक सा रहने वाला परमेश्वर है। आज की सुबह तेरे उस नाम की महिमा को गाते हैं परमेश्वर, तेरे उस लहू को याद करते हैं जो तूने हमारे लिए बहाया है। लहू से पाप होता हूँ
करता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तेरे लहू से पा Bye.
बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। अपने पूरे हृदय से उससे कहें, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। यस हालेलुया। आज की सुबह एक ही नाम महिमा पाए, एक ही नाम बढ़ने पाए, ऊंचे पर उठने पाए, और वो नाम यीशु सिर्फ आपका हो। मेरे हृदय से यीशु तू बढ़े। ओ हालेलुया लॉर्ड, मेरे जीवन से तू बढ़े, मेरे परिवार में तू बढ़े, मेरे हर एक परिस्थितियों में यीशु तू ऊंचा हो, मेरे हर एक सोच में विचारों में सिर्फ तू ही बढ़ने पाए, तू ही बढ़ने पाए यीशु। आज की सुबह हम चाहते हैं यीशु तेरा नियंत्रण हमारे ऊपर होने पाए, तेरा कब्जा हमारे ऊपर होने पाए।
तुझ में ही हर काम करूं मैं, तुझ में ही हर काम करूं मैं, जीवन तेरे नाम करूं मैं, जीवन तेरे नाम करूं मैं, काम पे कब्जा नाम पे कब्जा, काम पे कब्जा नाम पे कब्जा, कर ले कब्जा यीशु मसीह, आज की सुबह मेरे ऊपर तेरा कब्जा होने पाए, तेरा कब्जा होने पाए, कब्जा होने पाए, हालेलुया, कर ले कब्जा है पाखरू, कर ले कब्जा है पाखरू, उस यीशु मसीह का कब्जा होने पाए हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में, कर ले कब्जा है पाखरू, कर ले कब्जा है पाखरू, हमारी सोचों पे, हमारे विचारों पे, हमारी बातों पे, कर ले कब्जा है पाखरू, कर ले कब्जा है पाखरू। यीशु, जबकि हमारे हाथ स्वर्ग की ओर उठे हुए हैं, परमेश्वर हम इस बात को कहते हैं कि हमारे सोचों पे, हमारे विचारों पे, हमारी बातों पर आपका कब्जा होने पाए, इसलिए परमेश्वर हमने इस गीत को गाया है और हमने इस बात को कहा है कि सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा और सांसों पे कब्जा, और हमारी हर एक बात जो हमारे मुख से निकलती है उस पर तेरा पवित्र आत्मा का कब्जा होने पाए, कर ले कब्जा है पाखरू, 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 भजो नाम जपो प्यारा नाम यीशु नाम, भजो नाम जपो ना प्यारा नाम यीशु नाम, चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम,
तुझे आना है, छार दे अपनी शक्ति पर कृष्ण में मोह लगाना है। भक्त बिना भक्ति अधूर, कृष्ण शरण तुझे आना है, छार दे अपनी शक्ति पर कृष्ण में मोह। आशीष पाना है, जय जयकार करो मिलसार, धन्य मनाना है, भजो नाम जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम, भजो नाम जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम। ओ चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, करो मिल गाओ यीशु नाम रे, सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे। पाप की राह को छोड़ना है, स्वर्ग की मंजिल पाना है, इस दुनिया में चैन नहीं है, स्वर्ग पिता को जाना है, इस दुनिया में चैन नहीं है, स्वर्ग पिता को जाना है, इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया में चैन नहीं है, स्वर्ग पिता को जाना, शांति मुक्ति का मार्ग वही है, उसमें मोह लगाना है, सच्चा साथी प्रभु हमारा, उसे अपना करो मिल गाओ जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम, जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम। जय सुबह हो या शाम, जय सुबह हो या शाम, यीशु महिमा करें, सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे, भजो नाम भजो नाम जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम, भजो नाम जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम, भजो नाम जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम, भजो I'm not afraid to die.
भजो ना बात को कहें जय सुबह हो आशा जय सुबह हो आशा यीशु नाम रे सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम धन्यवाद यीशु तेरी उपस्थिति के लिए हालेलुया तेरे नाम को भजते हैं तेरे नाम को ऊंचे पर उठाते हैं हालेलुया 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 ऑल ऑनर एंड ग्लोरी एंड प्रेज थैंक्स एंड वर्शिप belong to our God and to our God alone. और सारा आदर महिमा और प्रशंसा के योग सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर ही है. The only reason I am standing on my feet here before you is God's mercy. और एक कारण जिसकी वजह से मैं आज के सुबह आपके बीच खड़ा हूँ यह है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की दया और करुणा. Any of us can fall dead any moment. हम में से कोई भी किसी भी क्षण गिर सकता है उस मृत्यु में. You don't have to be sick. आपको बीमार होने की जरूरत नहीं है. You don't have to be weak. आपको कमजोर होने की जरूरत नहीं है. For you to lose your life. इसलिए कि आप अपने जीवन को खो दें. Anytime, anything can happen. और किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है. So if you are alive today, और यदि आज की सुबह आप जीवित हैं, you need to give all praise and glory to him. तो सारा महिमा और प्रशंसा सिर्फ परमेश्वर को दें. So lift up our hands and give him thanks. आइए हम हाथों को उठा के परमेश्वर का धन्यवाद दें. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद. It is not your strength, it is not your money, it is not medicine, it is nothing but his mercy. ये आपका पैसा नहीं, आपका सामर्थ नहीं या कोई दवाई नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसकी दया और करुणा है जिसकी वजह से आप जीवित हैं. When you come out of your home to go somewhere, जब आप अपने घरों से निकलते हैं कहीं जाने के लिए, there is no guarantee that you will reach home alive. तो इसका कोई भी शत प्रतिशत परिमाण नहीं है कि आप अपने घर जीवित पहुंच जाएंगे. So please do not take your life for granted. यार इसीलिए आप अपने जीवनों को हल्की रीति से ना लें. You need God every moment. आपको परमेश्वर की जरूरत है हर एक क्षण. And therefore, commit your life to Jesus Christ. इसीलिए आप अपने जीवनों को यीशु को समर्पित कर दें. Who alone can guarantee you eternal life? वो सिर्फ वही है जो आपको अनंत जीवन दे सकता है. Life here on earth is very temporary. और ये जो जीवन हमारा पृथ्वी पर है, ये तो कुछ समय का है. And it is very short. और बहुत ही छोटा है. How short, no one can say. और कितना छोटा है, हम में से कोई भी इस बात को नहीं जानता. And yet, while you are alive, लेकिन फिर भी जब आप जीवित हैं, that's the only time for you to prepare for eternity. वही क्षण और समय आपके पास है कि आपको खुद को तैयार करें उस अनंत जीवन के लिए. Jesus Christ did not come to found a religion. और क्योंकि यीशु मसीह तो नहीं आया कि वो एक धर्म की स्थापना करे. He doesn't call anybody to follow a religion. उसने हम सबको इसलिए नहीं बुलाया कि हम एक धर्म के पीछे चलें. He is not, what is religion? Religion is something with so many ceremonies and rituals and practices. And you can be a religious person. और धर्म क्या है? धर्म तो वो है कि जिसमें बहुत सारे रीति रिवाज और बहुत सारे करने के लिए चीजें हों. To be a follower of Jesus Christ does not mean to be a religious person. लेकिन यीशु का चेला या उसके पीछे चलने के लिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक धर्म के पीछे चलें.
what your greatest need is a savior. आपका सबसे बड़ी जरूरत है एक उद्धार करता. That's why God sent Jesus into this world. और इसीलिए परमेश्वर पिता ने यीशु को इस संसार में भेज दिया. He came to save people from their sin. वो इसलिए आया ताकि हमें हमारे पापों से बचा सके. Then I knew what is my greatest need. और तब जाकर के हमें पता चला कि हमारे सबसे बड़ी जरूरत क्या है. My greatest need was someone who can save me from this evil force of sin and Satan. और मेरी सबसे बड़ी जरूरत ये थी कि मुझे कोई एक ऐसा उद्धारकर्ता मिल जाए जो मुझे पाप की शक्ति से बचा सके. Who can do that? और ये कौन कर सकता है? Who has done anything for me to be saved from the slavery of sin and have the assurance of eternal life? That means once I die, I know where I am going. और वो कौन है जिसने मेरे लिए मुझे पापों से छुड़ाया और मुझे पता है कि उसके द्वारा मैं अनंत जीवन को पाऊंगा, वो जीवन जो मरने के बाद मेरा इंतजार कर रहा है. That's when I heard about Jesus. और तभी मैंने यीशु मसीह के बारे में सुना. Jesus was not a religious person. और जो यीशु था वो तो किसी धर्म के पीछे या उसकी स्थापना नहीं किया. His greatest problem was with religious people. और उसका जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी धर्मी लोगों के पीछे. And so he came here to be our savior. और इसलिए वो इस संसार में आया हमारे उद्धारकर्ता के रूप में. There is some poison in our blood called sin poison. और हमारे खून में एक ऐसा जहर है जिसे हम पाप कहते हैं. Everybody is born in with that poison. और हम में से हर एक उस जहर के साथ पैदा होता है. And that poison has to be removed from our system. और उस जहर को हमारे शरीर से बाहर निकलना जरूरी है. No religious activities will do that. और कोई भी धार्मिक गतिविधि इसको नहीं दूर कर सकती. That makes me lie. और जो मुझे कहता है कि मैं झूठ बोलूं, cheat, और धोखा दूं, fight, और लड़ाई करूं, quarrel. Quarrel और लड़ाई झगड़ों में फंसूं, kill और मार डालूं, and destroy और नाश कर दूं. That's what these are all. This is not sin, but it's a fruit of sin. ये पाप तो नहीं है, लेकिन पाप का फल है. And sin means having a life without a relationship with the living true God. और पाप का मतलब है एक ऐसा जीवन जिसका कोई भी रिश्ता परमेश्वर, एक जीवित परमेश्वर के साथ ना हो. And so the call of Jesus Christ is, और इसलिए यीशु का बुलाहट या बुलाना ये था, Come unto me, मेरे पास आओ. All of you who are tired and weary तुम, of life, तुम जो थके हुए हो और जीवन से हार चुके हो, I will give you rest. और मैं तुम्हें वो विश्राम दूंगा. I will give you peace. और मैं तुम्हें वो शांति दूंगा. I will give you eternal life. और मैं तुम्हें वो अनंत जीवन दूंगा. He is the way to eternal heaven. और वही मार्ग है, यीशु ही वो मार्ग है जिसके द्वारा वो अनंत जीवन so संभव है. She needs a savior. उन्हें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है. Who loved her so much. जिसने उनसे अनंत प्रेम से प्रेम किया. That he became a sacrifice in order to save you. और खुद को दे दिया एक बलिदान के रूप में ताकि उन्हें बचा सके. So when you call on this Jesus, और जब हम इस यीशु को बुलाते हैं, he comes into your heart by his spirit, वो अपनी आत्मा के द्वारा आपके हृदयों में आ जाता है. Then you will know something has happened. और आपको पता चल जाएगा कि कुछ हो गया है. That is why we are happy. और इसीलिए हम आनंदित हैं. That is why we dance. और इसीलिए तो हम नाचते हैं. We worship God not because of fear. हम परमेश्वर का आराधना करते हैं भय के कारण नहीं. We worship God because we love him. हम परमेश्वर का आराधना करते हैं क्योंकि हम उससे प्रेम रखते हैं. I want to read a passage from the Holy Scriptures. और मैं आज की सुबह पवित्र वचन से एक अध्याय को पढ़ना चाहता हूं. The letter of Paul to Ephesians. और पौलुस प्रेरित की पत्री जो उसने इफिसियों की कलीसिया को लिखी. Chapter 3. उसका तीसरा अध्याय. Verses 16 to 19. 16 से लेकर के 19वें वचन तक. Ephesians chapter 3 verses 16 to 19. कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व के सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर
सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। व्हाट इज God's desire for your life? और परमेश्वर की क्या इच्छा है हमारे जीवनों के लिए? God wants you to know His love for you. और परमेश्वर की इच्छा तो ये है कि आप जाने उसका प्रेम जो आपके लिए है. And the love of God is cannot be comprehended or understood by our human wisdom. और परमेश्वर के प्रेम को हम अपने मानवीय ज्ञान या बुद्धि से समझ नहीं सकते. Can you imagine? A God who still loves you, though you hated Him, you didn't want Him, and you sinned against Him. Every act of sin or wrong is a sin against this God. क्या आप कभी ऐसे परमेश्वर के बारे में सोच सकते हैं जिसके लिए आपने सब कुछ उसके विपरीत किया, उससे आपने घृणा करी, लेकिन फिर भी उसने आपसे प्रेम किया? Because it is God who gave us the commandment, you shall not do this, you shall not do that, you shall not covet, you shall not kill, you shall not tell lies, you shall not deceive. All these commandments are given by this God. और ये सारी 10 प्रतिज्ञाएं हम जो पढ़ते हैं ये इसी परमेश्वर के द्वारा दी गई हैं. So when I kill somebody, और इसलिए जब मैं किसी को मार देता हूँ, I am not simply sinning against that person. मैं सिर्फ उस व्यक्ति के खिलाफ पाप नहीं कर रहा. Or when I steal something from somebody, और क्या मान लीजिए यदि मैं किसी से कुछ चुरा लूँ, Or when I spread false rumors about somebody, या मैं किसी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाऊं, I am not simply wronging that person or sinning against that person. मैं सिर्फ उस व्यक्ति के खिलाफ पाप नहीं कर रहा. First of all, I am sinning against God. सबसे पहले मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहा. Because it is God who told me I shall not covet, I shall not spread false rumors, I shall not cheat, I should not deceive. It is He who gave me these commandments. क्योंकि परमेश्वर ने ही मुझे ये सारी आज्ञाएं दी कि तू किसी को मारना नहीं, किसी से चोरी मत करना और किसी की संपत्ति को मत लेना. So when I do something against you, और इसलिए जब मैं आपके विरुद्ध कुछ करता हूँ, I am breaking God's law. इस मैं परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ रहा हूँ. And so every wrong act is a sin against this God. और हर एक गलत बात ये परमेश्वर के विरुद्ध पाप है. And this God against whom we keep on sinning and keep on doing wrong. और ये परमेश्वर जिसके विरुद्ध हम लगातार पाप करते रहते हैं और गलत चीजों में लगे रहते हैं, He still loves us. ये फिर भी चुनता है कि हमसे प्रेम करे. He still cares for us. और फिर भी हमारी चिंता करता है. He still wants us to know His love. और फिर भी वो चाहता है कि हम उसके प्रेम को जो हमारे लिए है उसे जाने. It is very difficult to understand God's love. और मेरे मित्रों, हम परमेश्वर के प्रेम को समझना बहुत कठिन है. And God wants us to know His love. और लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रेम को जाने. 300 years ago, a great saint of God lived. और 300 साल पहले एक परमेश्वर के महान संत रहा करते थे. But before he became a saint, लेकिन उससे पहले कि वो संत बन जाएं, he was the worst kind of sinner. वो सबसे बुरे पापी थे. You know, he was such a sinner, आपको पता है वो इतने बड़े पापी थे. There is nothing that he did not do that was a sin. ऐसा कोई भी बात नहीं थी या ऐसा कोई भी पाप नहीं था जो उन्होंने ना किया हो. He committed every kind of sin. उन्होंने हर प्रकार के पाप को किया. Every kind of evil thing. उन्हें हर प्रकार की बुरी बात को किया. And to that extent, और यहां तक that he could not believe that even God could save him and change him. और इस सीमा तक पाप को किया कि उन्हें यह विश्वास था कि अब तो मुझे भी परमेश्वर बचा नहीं सकता या माफ नहीं कर सकता. He didn't believe. उन्होंने विश्वास नहीं किया. Because he was such a sinner. क्योंकि वो इतने बड़े पापी थे.
He would not believe that God could save him. और उनके अंदर ये विश्वास नहीं था कि अब परमेश्वर मुझे बचा सकता है. But one day, लेकिन एक दिन, he heard the voice of God. उसने परमेश्वर की आवाज को सुना. And somehow the Holy Spirit worked in his life. और किसी तरीके से पवित्र आत्मा ने उसके अंदर काम किया. In an instant, और तुरंत ही, his life was changed. उसका जीवन बदल गया. And when his life was changed, और जब उसका जीवन बदला, when his heart felt clean, और जब उसके हृदय से उसको साफ महसूस हुआ, and no more guilt, और उसके अंदर कोई भी दोष की भावना नहीं थी, God's love flooded into his soul, और वो परमेश्वर का महान प्रेम ने उसके दिल को भर दिया. But because he could not believe that even God could not save him. क्योंकि उसके अंदर तो ये विश्वास था कि परमेश्वर भी मुझे नहीं बचा सकता. But then, nevertheless, God loved him and saved him. लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उससे प्रेम किया और उसे बचा लिया. He couldn't believe. और ये वो तो इस बात पर विश्वास नहीं कर पाया. So he went into his room. इसलिए वो अपने कमरे में गया. And he wrote a song. और उसने एक गीत को लिखा. That song in our English service very often we sing. और इस गीत को हम अपनी अंग्रेजी की सभा में कई बार गाते हैं. The song says, "Amazing Grace." और जो गीत का जो शीर्षक है या नाम है उसका अनुग्रह अति अनुग्रह अद्भुत अनुग्रह. अद्भुत अनुग्रह. That saved a wretch like me. एक ऐसा अनुग्रह जिसने मुझ जैसे पापी को बचा लिया. सिर्फ दुष्ट दुष्ट ऐसा दुष्ट आदमी को ऐसा क्या evil demonic आदमी को बचा लिया. This is beyond my understanding, he said. और वो कहता है ये तो मेरी समझ के परे है. So what I am saying is everything that you do wrong, you are doing it against God. तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि यदि आप कुछ भी गलत करते हैं आप उसे परमेश्वर के विरुद्ध कर रहे हैं. But nevertheless, Jesus loved us. लेकिन फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है. He is waiting. He will not force. और वो तो हमें धक्का नहीं देगा किसी भी चीज की ओर. That is the devil's job. लेकिन ये तो काम शैतान का है. Even if you don't want to do evil, the devil will force you to do it and you will do it. हो सकता है आप गलत काम ना करना चाहें लेकिन फिर भी शैतान आपके साथ जबरदस्ती करेगा. But Jesus stands at the door of your heart. लेकिन जो यीशु है वो तो आपके दिलों के दरवाजे के पास खड़ा होता है. He says, "I knock." और वो कहता है वचन में कि मैं तो उन दरवाजों को खटखटाता हूं. If you open your heart, अगर तुम अपने हृदयों को खोलोगे, I will come in. तो मैं तुम्हारे हृदय में आ जाऊंगा. So all you have to do is to open the door of your heart. तो जो बात आपको करनी है वो ये है कि आप अपने दिलों के दरवाजों को खोल दें. And tell Jesus to come in. और कहें यीशु तू आ जा. And he will do. और वो आएगा. Today I feel like telling some examples. और आज के दिन मुझे महसूस होता है कि मुझे कुछ उदाहरण देने चाहिए. I want to tell you about another woman. और मुझे आपको बताना चाहता हूँ एक और उदाहरण जो कि एक स्त्री के बारे में है. This woman also could not believe that even God could save her. और ये स्त्री का भी ये मानना था कि परमेश्वर भी उसे नहीं बचा सकता. She lived such a wretched life. और वो भी एक दुष्टता भरे जीवन को जी रही थी. She was a rich lady. और वो बहुत ही अमीर थी. Drinking and smoking was her habit. और पीना सिगरेट पीना और शराब पीना उसकी आदत थी. She has liquor bottles in her car. उनके जो गाड़ी थी कार थी उसमें भी शराब की बोतलें थी. लिकर बॉटल इन हर किचन. और उनका किचन में भी शराब की बोतलें थी. एंड लिकर बॉटल्स इन हर बेडरूम. और उनके जो बेडरूम था उसमें भी शराब की बोतलें थी. एवरीवेयर लिकर लिकर. और हर जगह शराब की बोतलें. सो व्हेन शी इज इन बाथरूम. और जब वो अपने बाथरूम में होती. इफ शी फील्स लाइक ड्रिंकिंग. और उनका मन होता कि मैं पीऊं. शी डिडंट वांट टू कम रनिंग टू हर बेडरूम और एनीथिंग दैट इन द बाथरूम आल्सो लिकर. तो वो अपने कमरे में नहीं आती क्योंकि बाथरूम में भी उन्होंने शराब की बोतलों को रखा था. स्मोकिंग इज कंसर्न. और जहां तक सिगरेट पीने
की बात है. The cigarette will never leave between her two fingers. और ये जो सिगरेट थी उनकी दो उंगलियों के बीच से कभी नहीं हटती थी. She lived such a wretched life. उन्होंने इतना दुष्टता भरा जीवन जिया. And you can imagine any other evil she wanted to do, she did. और कोई भी दूसरी बुरी बात अगर उन्हें करनी चाहती थी तो करती थी. At the age of 50. और 50 साल की उम्र में. Something happened. कुछ हुआ. The light of the grace of God appeared. परमेश्वर के अनुग्रह की ज्योति उनके जीवन पर चमकी. For the first time in her life. पहली बार उनके जीवन में. She felt convicted of her sinful life. उनका अपने पापों को लेकर के उनके दिल में उन्हें वो दोष महसूस हुआ. And she repented and asked Jesus to come and live in her. और उन्होंने अपने पापों से मन फिराया और यीशु से कहा कि वो उनके जीवन पर नियंत्रण ले ले. It happened. और ऐसा ही हुआ. This is a testimony I heard with my own eyes. और इस गवाही को मैंने अपने खुद के कानों से सुना है. So in her testimony she said. और उन्होंने अपने गवाही में इस बात को कहा. 50 years of an evil life. और 50 साल उन्होंने उस दुष्टता के जीवन को, बुराई के जीवन को जिया. She said, मैंने ऐसा जीवन दिया. 50 years of my sinful, evil, demonic life. और उन्होंने खुद ऐसा कहा कि 50 साल तक मैंने ऐसे दुष्टता भरे जीवन को, शैतानी जीवन को जिया. Was all gone in a matter of 1 minute. और ये सारी बातें और ये सारी दुष्टता सिर्फ एक क्षण, एक मिनट में चली गई. Became a born again child of God. वो नया जन्म पाई हुई परमेश्वर की बेटी बन गई. That is the power of the love of God for us. और यही वो सामर्थ्य है परमेश्वर के प्रेम का जो हमारे लिए है. There is no sinner beyond the grace of God. और परमेश्वर के अनुग्रह के परे कोई भी पापी नहीं है. Jesus loves us. और यीशु हमसे प्रेम करता है. And what happens when Jesus comes to live in you? और क्या होता है जब परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए आ जाता है? We all are afraid. We all are afraid. हम सब डर जाते हैं. We are afraid of so many things. हम कई बातों को लेकर के डरे हुए होते हैं. We are afraid of our future. हम अपने भविष्य को लेकर के डरे हुए होते हैं. We are afraid of our own life. हम अपने जीवनों को लेकर के भी डरे होते हैं. We are afraid of, scared of many things. और हम कई चीजों को लेकर के डर हमारे अंदर है. And the greatest fear is the fear of death. और जो अभी नया नया भय आया है हमारे बीच वो है मृत्यु का भय. We are afraid of death so much that we never talk about it. और हम तो मृत्यु से इतना डरते हैं कि हम कभी भी उसकी बात भी नहीं करना चाहते. Yeah, when somebody comes visiting you. और कोई कभी कोई आता है आपसे मिलने के लिए. Do you invite that person now come let us sit down and talk about death? क्या आप उनसे ऐसा कहते हैं आओ हम बैठते हैं और आओ मृत्यु के बारे में बात करते हैं? Do you do that? क्या आप ऐसा करते हैं? No, you don't. You are so scared. आप इतने डरे हुए हैं. We don't discuss about it. हम मृत्यु के बारे में कोई बातचीत नहीं करते. Not only we don't discuss, but we don't even think about it. और ना केवल बात करना, लेकिन हम तो सोचते भी नहीं हैं. Fear of death. मृत्यु का भय. Fear of anything. That is. One of the greatest problem. और किसी भी चीज का भय ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है. But you know what happened when Jesus comes to live in you? आपको पता है क्या होता है जब यीशु आपके अंदर रहने आ जाता है? The first thing that will happen to you is that all kinds of fears will be gone out of you. और पहली बात जो हो जाएगी कि सारे प्रकार का भय आपके अंदर से दूर हो जाएगा. Hallelujah. Hallelujah. You are not afraid of your own life. आप अपने जीवन को लेकर के आपके पास भय नहीं. You are not afraid of your future. आप अपने भविष्य को लेकर के आप भयभीत नहीं. Because Jesus told us what to do about our future. क्योंकि यीशु ने हमें बताया कि हम अपने भविष्य के लिए क्या करें. What did he say? उसने क्या कहा? Do not worry about your tomorrow. तुम अपने कल की चिंता मत करो. Don't worry about tomorrow. आप कल की चिंता ना करो. Hallelujah. Hallelujah. Do not worry about what is going to happen to this little child tomorrow. आप इस बात की
चिंता ना करें कि इस बच्चे के साथ कल क्या होगा. Today he is alive. क्योंकि आज के दिन वो जीवित है. He's a very precious child to you. और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चा है. And God knows how much he loves this child. और आप परमेश्वर जानता है कि वो इस बच्चे से कितना प्रेम करता है. It is his life has come from our heavenly father. और इस बच्चे का जीवन उस स्वर्गीय पिता से आया है. And he is like this, but he also gives you the grace to love this child and keep that child. और वो तो ऐसा है, लेकिन वो आपको अनुग्रह देता है कि आप इस बच्चे से प्रेम कर सकें. So don't worry about tomorrow. इसलिए आप कल की चिंता ना करें. That's what Jesus said. इसी बात को यीशु ने कहा. And that is the wisest counsel that you can ever receive. और इसी प्रकार का सबसे अच्छा और समझदारी भरा परामर्श है जो आपको कभी भी मिल सकता है. Because by worrying, you will not change any situation. क्योंकि चिंता करने के द्वारा आप किसी भी परिस्थिति को बदल नहीं सकते हैं. You are not going to change anything. आप किसी भी बात को बदल नहीं सकते. But by worrying, लेकिन चिंता करके about tomorrow, कल की चिंता करके you will spoil your today. आप अपने वर्तमान को बेकार कर देंगे. And you won't enjoy life. और आप अपने वर्तमान का आनंद नहीं उठा पाएंगे. What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? The best thing is, I have Jesus. और सबसे उत्तम बात तो ये है कि मेरे पास यीशु है. He knows all about my past. वो मेरे भूतकाल के बारे में जानता है. He also knows all about my tomorrow. और वो मेरे पूरे भविष्य को भी जानता है. He has planned it. और क्योंकि उसने इस बात की योजना बनाई है. And what he has planned will happen. और जो योजना उसने नियुक्त किया है वही होगा. So leave it to him. इसलिए उस सारी बातों को परमेश्वर के लिए छोड़ दें. My life is in his hand. हमारा जीवन उसके हाथों में है. And my time is in his hand. हमारा समय उसके हाथों में है. Hallelujah. Hallelujah. He who holds tomorrow will hold my hand and lead me through. वो जो पूरे कल को अपने हाथों में रखता है वो मेरे हाथों को पकड़ेगा, उस कल की ओर मुझे ले जाएगा. Sister James gave a great testimony. और बहन जेम्स मैंने भी अब एक बहुत ही बड़ी गवाही को दिया. She felt she was dying. उन्हें तो महसूस हुआ कि वो मृत्यु नजदीक है. But she is still alive. लेकिन आज वो जीवित है. You know why? आपको पता है क्यों? Her time, her life, everything is in his hand. उनका समय उनका जीवन सब यीशु के हाथ में है. That means he knows when she should die. और उन्हें यीशु को पता है कि कब उन्हें जाना है. And when that time comes, और जब वो जाने का समय आ जाएगा, she will die. वो जाएंगी. She may not be sick. और वो हो सकता है बीमार ना हो. But she will die. लेकिन उनकी मृत्यु हो जाएगी. But now she is alive. लेकिन आज के दिन वो जीवित है. Why? क्यों? God wants her to live for a few more days and serve him and glorify him. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि कुछ और दिन जी करके वो परमेश्वर की सेवा करें और उसकी महिमा के लिए जिएं. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord God. Your life is in his hand. आपका जीवन परमेश्वर के हाथ में है. I know about another lady. और मैं एक दूसरी स्त्री के बारे में भी जानता हूँ. Her story I mentioned here once or twice. और उनकी कहानी या उनकी गवाही को तो मैंने एक या दो बार यहाँ बताया है. She was an elderly lady. और वो बहुत ही वृद्ध एक स्त्री थी. And she had an elderly husband. और उनके एक वृद्ध पति भी थे. She was a saintly woman. और वो एक संत जैसी एक स्त्री थी. She will always go to church. और वो हर वक्त कलीसिया जाएंगी. She will worship God. और परमेश्वर की आराधना करेंगी. She will love the Lord. और परमेश्वर से प्रेम करेंगी. She will serve the Lord. और परमेश्वर की सेवा करेंगी. She will read God's word. और परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगी. She will worship God. और परमेश्वर का आराधना करेंगी. But her husband was living like a devil. लेकिन उनके पति एक शैतान के रूप में जी रहे थे. And real devil. और सच के शैतान. He will drink. वो पिएंगे. He will abuse. और गाली गुत्ता करेंगे. But his wife would always pray for him. लेकिन जो उनकी पत्नी थी हर समय उनके लिए प्रार्थना करेंगी. She was gentle.
और वो बहुत नम्र थी, very loving, और बहुत प्रेम करने वाली स्त्री। In spite of all his drinking habit and all her abusing her and all, she would still love her. और उनके पीने की आदत की वजह और उन्हें गाली गुत्ता करने के वजह उसके बावजूद भी वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। But she will never miss the church. और वो कभी भी कलीसिया से अनुपस्थित नहीं होती थी। And this saintliness of his wife became an irritation for him. और ये जो उनका संत जैसा जीवन जो उनकी पत्नी जी रही थी, ये उनके पति को अच्छा नहीं लगा। She was kind. और वो तो बहुत दयालु थी। She was loving. वो बहुत प्रेम करने वाली थी। She was forgiving. और माफ करने वाली। And she is like a saint, and she would go to church. और वो एक संत के समान थी और हमेशा कलीसिया जाती थी। Going to church became an irritation for him. और उनका कलीसिया आना ही उनके पति के लिए पति को अच्छा नहीं लगता था। He made a plan to stop her from going to church. और एक रविवार को उन्होंने एक योजना बनाई कि आज मैं अपनी पत्नी को कलीसिया नहीं जाने दूंगा। So while she was getting ready to go to church, और जब वो तैयार हो रही थी कलीसिया जाने के लिए, he took out his gun. His gun. और वो पति ने अपनी बंदूक को निकाला। And filled the gun with the गोली। और बंदूक में गोली को डाला। And he was waiting at the door. और दरवाजे पर इंतजार करने लगा। And standing like this. और ऐसे खड़ा था। Let me see how she will go to church. और मैं देखता हूँ आज ये कैसे कलीसिया जाएगी। And sure enough, she brought the Bible and she got ready and she was coming to go out. और उस स्त्री ने अपनी बाइबल को उठाया, तैयार हुई और वो जाने लगी कलीसिया की ओर। And he was standing there staring at her. और वो उस दरवाजे पर खड़ा था और उसने घूरने लगा। Let me see how you will go to church. आज मैं देखता हूँ कि तू कैसे कलीसिया जाएगी। She said. उसने उस स्त्री ने कहा, I'll go to church. मैं तो चर्च जाऊंगी। How will you go? कैसे जाएगी? If I shoot you today, अगर मैं तुझे आज गोली मार दूं, How will you go to church? तो कैसे कलीसिया जाएगी? And she said, और उस स्त्री ने कहा, If you shoot me, I will die. अगर तुम मुझे गोली मार दोगे तो मैं मर जाऊंगी। And the moment I die, और जिस क्षण मैं मर जाऊंगी, I'll go to be with Jesus. मैं यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में होंगी। And if you don't shoot me, और अगर तुम मुझे गोली नहीं मारते, I'll go to church. मैं कलीसिया जाऊंगी। So it doesn't make any difference. तो ये मेरे लिए इस बात का कोई भी अंतर नहीं होता। There is no fear of death in that woman's heart. और उस स्त्री के दिल में मृत्यु को लेकर के कोई भी भय नहीं था। You know why? आपको पता है क्यों? Because she knew where she will go once she die here on earth. क्योंकि उसे पता था कि वो कहां जाएगी जब इस पृथ्वी पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। That's what Jesus does. इसी बात को प्रभु यीशु मसीह करता है। First thing that he does is to cast away all the fears from us. वो पहली बात जो हमारे जीवन में होती है कि यीशु सारे भय को हमारे हृदयों से निकाल देता है। What are you afraid of? आप किस बात से भयभीत हैं? Let Jesus comes in. होने दे यीशु को आप अपने जीवन में आने दें। Takes over your life. और आपके जीवन पे पूरा नियंत्रण ले ले। And he will cast away all the fear. और वो सारे भय को आपके जीवन से निकाल देगा। The Bible says. और वचन बताता है। Even Christians are afraid. कि जो मसीह हैं वो भी डर जाते हैं। You know why? आपको पता है क्यों? Because the Bible says, perfect love cast out all fears. क्योंकि वचन हमें बताता है कि सिद्ध प्रेम हर प्रकार के भय को बाहर निकाल देता है। That means. इसका मतलब ये है। You are Love for Jesus has to be perfect. इसका मतलब यह है कि आपका प्रेम जो प्रभु यीशु के लिए है वो सिद्ध प्रेम होना चाहिए। Our love for one another should be perfect. हमारा प्रेम एक दूसरे के प्रति भी सिद्ध होना चाहिए। I had a brother-in-law, my sister's wife. I mean a husband. Sister's husband. और मेरे जीजा, मेरे जो जीजा जी हैं। जीजा। How many of you know Pastor Sam Abraham? आप में से कौन-कौन Pastor Sam Abraham को जानते हैं? Okay, now many of you know. I'm talking about his father. मैं उनके पिता के बारे में बात कर रहा हूँ. So Sam is my nephew. और जो Pastor Sam है वो मेरे भतीजे हैं. This
this brother-in-law of mine, my sister's husband. और ये जो मेरी बहन के पति हैं. He was moving away from our native place in Kerala to another part of Kerala. और वो जो केरला जो राज्य है वहाँ पर उनका जो घर था उनका जो जगह थी वहाँ से हट के दूसरी ओर की जा रहे थे. And to live with some sister, that is her daughter. ताकि वो अपनी बेटी के साथ रह सकें. And the last Sunday, he gave a testimony to the church. और आखरी रविवार को उन्होंने अपनी कलीसिया में एक गवाही को दिया. I have never heard a testimony like that. और मैंने अपने जीवन में ऐसी गवाही को कभी नहीं सुना. He was absolutely at peace with everybody. वो सबके साथ उनका एक शांति था. He never had any enemies to him. और उनका किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं था. And he could very boldly declare. और पूरे हियाव के साथ उन्होंने इस बात की घोषणा की. There is nothing that I have to forgive anybody. कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं किसी को माफ करूं. And nobody has to forgive me also because I never done anything. और कोई भी मुझे माफ करने की भी किसी को आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने भी किसी के लिए कभी भी कुछ गलत नहीं किया. While he was in the government job of teaching in the government school. जबकि वो एक सरकारी स्कूल में नियुक्त थे पढ़ाने के लिए. He planted a church. उन्होंने एक कलीसिया को बनाया. And he pastored that church for many years. और उस कलीसिया के वो वरिष्ठ पासवान भी रहे कई सालों तक. And everyone in our church knew that this man was an ideal man. और हर व्यक्ति कलीसिया में जानता था कि ये व्यक्ति एक सिद्ध व्यक्ति है. And he said. और उसने उन्होंने कहा. My conscience is absolutely clean and clear. कि मेरे अंदर तो ऐसा मेरी सारी बातें मेरा दिल साफ है. I don't owe anything to anyone. और मुझे किसी को कुछ देना नहीं है. He was a very generous man. और वो बहुत देने वाले व्यक्ति थे. Very generous. And both my sister and he. और मेरी बहन और वो. Lived such an exemplary life. एक उदाहरण के जीवन को उन्होंने जिया. That's what Christ does when He comes to live in you. और इसी बात को यीशु करता है जब वो हमारे जीवनों में रहने के लिए आ जाता है. No, the passage that I read. और जो वचन हमने पढ़ा आज की सुबह. We read here. हमने यहाँ पढ़ा. I pray that out of His glorious riches He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being. कि वह अपनी आत्मा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ. So that Christ may dwell in your hearts through faith. और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदयों में बसे. I pray that you being rooted and established in love may have power together with all the saints. कि तुम प्रेम में जड़ पकड़ के और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी ऊंचाई चौड़ाई और लंबाई और गहराई कितनी है. Apostle Paul is praying for the believers. और जो पौलुस प्रेरित है वो विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा है. He never prayed, Lord, provide all the chapatis and dal and rice for the people. Let them not be hungry. Let them and give all the kapadas they want. He never prayed for these kind of things. और पौलुस प्रेरित ने ऐसी प्रार्थना तो नहीं की कि प्रभु इन सारे विश्वासियों को रोटी कपड़ा मकान या जो भी है वो दे दे. Our prayer is like that. लेकिन हमारी प्रार्थनाएं तो इसी प्रकार हैं. Lord, you know our need. कि प्रभु तू जानता है हमारी जरूरतों को. What do we mean when we say our need? जब हम कहते हैं हमारी जरूरत है इसका क्या मतलब है? We need food. हमें खाने की जरूरत है. We need clothes. हमें कपड़े की जरूरत है. We need a house. हमें एक घर की जरूरत है. We need a job. हमें एक नौकरी की आवश्यकता है. We need, you know, all these things. और हमें इन्हीं सारी वस्तुओं की आवश्यकता है. My friends, these are not our greatest need. और मेरे मित्रों हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता ये बातें नहीं है. You need something else. आपको इससे भी बढ़ के एक बात की आवश्यकता है. विश्वासी होने के नाते a thorough knowledge of Jesus Christ through whom by faith
our inner being may be strengthened within us. हमें इससे बढ़कर के प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है जो हमें भी हमारे भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत करता है. That is our need. यही हमारी जरूरत है. That is your need. यही आपकी भी जरूरत है. Inner strength. एक हमारे भीतरी मनुष्यत्व को एक बलवंत एक साहस देने की. I'm sorry that many of us are missing that inner strength. और मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हम में से कईयों के पास वो भीतरी शक्ति या सामर्थ्य नहीं है. It is that inner strength that gives us the confidence to face any problems in life. अरे ये तो वही भीतरी सामर्थ है जो हमें वो बल देता है कि हम अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर सके. And how are we going to get this inner strength? और इस भीतरी बलवंत को या शक्ति को हम कैसे पा सकते हैं? By Christ dwelling in your heart. कि ये इस द्वारा कि यीशु मसीह हमारे हृदयों में अपना घर बना ले. It is not that we believe in Jesus who is somewhere out there. हम ऐसा नहीं कह रहे कि ये हम उस यीशु पर विश्वास करते हैं जो कहीं बाहर है. No, that is not what Jesus wants to do. लेकिन यीशु ऐसा नहीं करना चाहता. He wants you to make him as your dwelling place. वो तो चाहता है कि आप उस यीशु मसीह के उस अपने हृदय में उसे जगह दे दें. लिविंग इन गॉड और उसके संग परमेश्वर में बने रहें. गॉड वांट्स टू बी योर हाउस. परमेश्वर आपका घर बनना चाहता है. इन होम यू लिव ताकि उसमें आप जी सकें. यू कैन इमेजिन व्हेन दैट हैपेंस. आप सोच सकते हैं जब ऐसा होगा. आई एम ड्वेलिंग इन गॉड कि मैं तो प्रभु में जी रहा हूं. He wants you to make him as your address. और वो तो चाहता है कि आप उसे अपना पता बना लें. I am पापी Mathai. और मैं पापी Mathai हूं. Care of God Almighty. Care of परमेश्वर पिता. That's where I live. और वहीं मैं रहता हूं. That is how God offers Himself to you. और इसी प्रकार से परमेश्वर खुद को हमें देता है. You live in Him. कि हम उसमें जी सकें. Hallelujah. Hallelujah. You can imagine when you are in this God. और आप सोच सकते हैं जब आप इस परमेश्वर में हैं. No one can touch you. आपको कोई भी छू नहीं सकता. Hallelujah. Because anyone who wants to touch you has to touch God first. क्योंकि जो कोई भी आपको छूना चाहता है उसे पहले परमेश्वर को छूना होगा. You know how safe you are. आपको पता है आप कितने सुरक्षित हैं? I am in Christ. क्योंकि मैं तो यीशु में हूँ. And Christ is in God. और यीशु तो पिता परमेश्वर में है. It is like this. This represents me. और ये जो ये पुस्तक है ये मुझे दर्शाती है. This represents Christ. और ये किताब यीशु को दर्शाती है. So I am in Christ. और मैं तो यीशु में हूँ. This Christ is very big, I know. और ये यीशु तो बहुत बड़ा है. And I better do this. This is Christ. I mean, this is me. ये मैं हूँ. This is Christ. और ये किताब यीशु है. This is God. और ये पिता परमेश्वर है. This is my spiritual position. और ये है मेरी आत्मिक स्थिति. I am in Christ. और मैं यीशु में हूँ. Christ is in God. और यीशु पिता परमेश्वर में है. And so look at the way I am secure. और आप देखिए कि मैं और आप किस प्रकार सुरक्षित हैं. So anyone wants to touch me, अगर किसी को भी मुझे छूना है, he has to touch God the Father first. उसको पहले पिता परमेश्वर को छूना है. And then God the Son. फिर उसके बाद परमेश्वर पुत्र को. Then only he can touch me. उसके बाद ही वो मुझे छू सकता है. Can it happen? क्या ये हो सकता है? It can happen sometime. ये कई बार हो सकता है. God the Father will allow. और परमेश्वर पिता होने देगा. And God the Son also will allow. और परमेश्वर पुत्र भी होने देगा. Sometime to happen something to me. कि कई बार कुछ मेरे संग हो जाए. And when he allows it, जब वो उसे होने देगा, he has a purpose. क्योंकि उसके पास एक उद्देश्य होगा. Hallelujah. Hallelujah. He has a purpose. उसके पास एक उद्देश्य होगा. Amen. Amen.
Let him fulfill his purpose in our life. और होने दे कि वो अपनी योजनाओं को हमारे जीवनों में पूरा कर सके. That purpose is to strengthen us. और वो उद्देश्य है कि हमें बलवंत बना दे. To make us bold in Christ. ताकि हमें खुद में हियाव दे दे. Hallelujah. Hallelujah. The real message I have from the passage you read, I will speak to you next time I am here. और जो संदेश मुझे देना था अब मैं अगले रविवार को आपको दूंगा. But I want you to stand with me. लेकिन मैं चाहता हूं कि आज की सुबह आप मेरे साथ खड़े हो जाएं. रबा शखला रबा हसन दरिया. How many of you would like to see this little child walking? आप में से कौन कौन इस छोटे से बच्चे को फिर से चलता हुआ देखना चाहता है? That he will play with other children. और दूसरे बच्चों के साथ खेलता हुआ. Running. दौड़ता हुआ. And walking. और चलता हुआ. Hallelujah. Hallelujah. How many of you think that it can happen? आप में से कौन कौन ये विश्वास करता है कि ये हो सकता है? Because our God determines. क्योंकि हमारा परमेश्वर नियुक्त करता है. He also determines a time. और वो एक समय को भी नियुक्त करता है. And when that time comes. और जब वो समय आ जाता है. He will be up on his feet. और ये फिर से अपने पैरों पर चलने लगेगा. Hallelujah. Hallelujah. We will constantly pray. और हम निरंतर इस बच्चे के लिए प्रार्थना करें. Thank you, Jesus. So Jesus says to you. और यीशु आपसे कहता है. Do not be afraid. आप भयभीत ना हो. Jesus is there. परमेश्वर यीशु है. So friend, I want to tell you, both of you. और मैं आप दोनों को भी बताना चाहता हूँ. Do not be afraid to open your heart to Jesus. कि आप डरे ना कि आप अपने हृदयों को परमेश्वर के लिए खोल दें. Jesus is not come here as a religious person. क्योंकि यीशु वो धर्मियों के समान या धर्म को चलाने के लिए नहीं आया. He is God. वो तो परमेश्वर है. The one true living God. वो सच्चा एकमात्र परमेश्वर. The creator God. वो सृष्टि की रचना करने वाला परमेश्वर. He came here to be your savior. वो इस पृथ्वी पर आया ताकि आपका उद्धार कर्ता बन सके. To give you eternal life. और आपको अनंत जीवन दे सके. Hallelujah. Hallelujah.